इस वीडियो में हम बात करेंगे IRCTC के शेयर के बारे में। IRCTC के शेयर को क्या करें, बाय करें, होल्ड करें, सेल करें, तो क्या हमारा आगे का प्लान होगा, क्योंकि जो हमारा लॉकडाउन पीरियड है वो अब 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। तो अगला जो ये सेकेंड लॉकडाउन है वो 14 अप्रैल से बढ़ा करके 30 अप्रैल कर दिया गया है। तो ऐसे में IRCTC के जो बिजनेस है वो पूरी तरह से बंद है। तो आगे की क्या रणनीति होगी IRCTC में, क्योंकि अभी आप IRCTC के शेयर को देख रहे होंगे कि लगातार ये अप मूव कर रहा है, लगातार इस पर अपर सर्किट लग रहा है। तो लेकिन अब जो आगे की रणनीति होगी, अब जो आगे मार्केट खुलेगा, तो हम आगे की रणनीति की बात करेंगे कि क्या करें, बाय करें, होल्ड करें, इसमें SIP करें, लमसम करें। तो सारे आपके सवालों के जवाब इस वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेस में। अभी आप IRCTC की करेंट मार्केट प्राइस देख सकते हैं, वह है 1253.90 रुपीज़। आज हमारा ये 5% अप है और इसमें अपर सर्किट लगा हुआ है। तो जो लास्ट ट्रेडिंग डे था उस दिन अपर सर्किट लगा, और अगला जो ट्रेडिंग डे आएगा, जो हमारा नेक्स्ट डे मार्केट खुलेगा मंडे को, तो इसमें फिर से आपको अपर सर्किट देखने मिलेगा या लोअर सर्किट। ये आप मार्केट के सिचुएशन पे उस दिन ऑब्जर्व करेंगे। जैसे हमारा मार्केट में डाउनवार्ड होता है तो निश्चित ही ये भी शेयर नीचे जाएगा, क्योंकि जो इसका बिजनेस है वो अब इस महीने, मतलब नेक्स्ट मंथ ही जाके चालू हो सकता है, वो भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। तो अब जो हमारी रेलगाड़ी है और जो भी ट्रेनें चलेगी वो हमारी 1 मई से चलने की संभावना है। अगर लॉकडाउन और आगे बढ़ता है तो इसके शेयर में बहुत ही प्रेशर देखने मिलेगा और शेयर हमेशा नीचे की प्राइस की ओर जाते हुए देखने मिलेगा। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, इसमें आपकी क्या रणनीति होगी। अगर आप पहले से इसमें इन्वेस्टेड हैं तो निश्चित ही आप बने रहें, और अगर आप इसमें इंटर करना चाहते हैं तो अभी ऑब्जर्व करें कि मार्केट का सिचुएशन क्या होता है, मार्केट अप जाता है या डाउन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा 1 वीक है, तो 1 वीक में जो लो बनाया था 1099 रुपीज़, मतलब ये लगातार अपर सर्किट देखने मिल रहा है 1 वीक से, देख सकते हैं। और 1 मंथ का चार्ट देखते हैं तो 1 मंथ में जो ये लो बनाया वो बनाया 774 रुपीज़ का। तो ये लो बनाने के बाद उसी दिन, देख सकते हैं सेम डे जो ये लो बनाया उसके दिन ये फिर से अपर सर्किट लगाना शुरू कर दिया, मतलब अपने प्राइस को रिकवर करना शुरू कर दिया, और 856 रुपीज़ पे वो उसी दिन जो है बंद हुआ। उसी ट्रेडिंग डे में ये 856 पे जा कर के क्लोज हुआ। तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो लो प्राइस था, अगर आप इसके आसपास 800 के आसपास इंटर करते थे तो बहुत ही बेहतर था। फिर आप नीचे के प्राइस मूवमेंट का वेट करें, कि जैसे ये हमारा नीचे की ओर मूवमेंट दिखाता है तो आप इस में इंटर कर सकते हैं। वो भी आप एक ही बार में इंटर नहीं करना है, आपको इसको थोड़े थोड़े SIP मोड में बाय करना है। जैसे आप 5 शेयर बाय करना चाहते हैं तो 1 शेयर पहली बार बाय करें, फिर आप कुछ दिन वेट करें, नीचे आता है तो फिर 1 शेयर बाय करें। तो इस तरह से आप जो SIP मोड में बाय करें, एक ही बार आप इसमें इंटर नहीं करें। तो इस तरह से देख सकते हैं कि 1 मंथ से लगातार डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाया, फिर ये हमारा 800 से नीचे 774 पर आने के बाद अप मूवमेंट दिखाया, और अभी लगातार इसमें अपर सर्किट लग रहा है। जैसे हम वेट करते हैं और जैसे शेयर फिर नीचे आता है तो इसमें मैं भी अपना इन्वेस्टमेंट करूँगा, मेरा भी इन्वेस्टमेंट इसमें अभी नहीं है। हम भी यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे कि ये लोअर सर्किट लग रहा है तो और कितने नीचे आता है उसको ऑब्जर्व करें, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत सारी सिचुएशन आना बाकी है। अभी मार्केट लॉन्ग रन में जो हमारा कोरोना वायरस है, इसके इफेक्ट के कारण आपको नीचे और ऊपर का मूवमेंट देखने मिलते रहेगा। जैसे मार्केट थोड़ा सा रिकवर करता है तो आप एक्साइट होकर के उसमें इन्वेस्ट ना कर दें, मार्केट को वॉच करें, देखते रहें मार्केट का मूवमेंट हमारा किस डायरेक्शन में होता है। चलिए, तो हम आए हैं NSE की वेबसाइट पर, यहाँ पर हम IRCTC के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। तो जिस दिन हमारा जो पिछला ट्रेडिंग डे था, जिस दिन क्लोज हुआ उस दिन इसका जो हमारा लोअर देख सकते हैं, इसका जो हमारा लोअर वैल्यू था वो कितना था, 1253, अपर वैल्यू हुई 1253, मतलब ये ओपन भी हुआ उसी प्राइस पे, क्लोज भी हुआ उसी प्राइस पे, मतलब लगातार अपर सर्किट में देखने मिल रहा है। जो प्रीवियस क्लोजिंग था इससे पहले के ट्रेडिंग डे में वो था 1194, तो 59 रुपीज़ का मूव देखने के लिए मिला, 5% का सर्किट इसमें देखने के लिए मिला। और ये जो 52 वीक लो है जिस पर, मतलब ये हमारा मार्केट में लिस्ट हुआ था 625 रुपीज़ पर, वही हमारा ये 52 वीक लो प्राइस है। यहाँ से ये लगातार देख सकते हैं कितना टाइम्स का रिटर्न दिया,
14 अक्टूबर 2019 को ये 52 वीक लो, मतलब जिस दिन शेयर लिस्ट हुआ उसी दिन बनाया। उसके बाद ये लगातार अक्टूबर से लेके फरवरी तक लगातार अपवर्ड मूवमेंट दिया और 1994 अप्रॉक्स 2000 का ये लगातार 52 वीक हाई तक गया। 52 वीक हाई जाने के बाद ये जो हमारा कोरोना वायरस के इफेक्ट के कारण जो बिजनेस इसका ठप हो गया, बिजनेस जो क्लोज हो गया, उसके कारण लगातार इसमें लोअर सर्किट देखने मिला, फिर से अब अपर सर्किट देखने मिल रहा है। तो इस तरह से इसका जो प्राइस मूवमेंट था कुछ, अब हम इसमें देख लेते हैं कि यहाँ पर देखते हैं जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है जो पिछले ट्रेडिंग डे के दिन, तो वो देख सकते हैं कितना है हमारा जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई 1,02,764 क्वांटिटी, जिसमें से सारा का सारा क्वांटिटी 100% क्या हुआ, डिलीवर हुआ। तो 100% क्वांटिटी इसमें डिलीवरी के रूप में आप देख सकते हैं। वहीं अब हम बात करते हैं इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न का, इसमें आप शेयर होल्डिंग पैटर्न अपना देख सकते हैं कि इसमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कितना है हमारा प्रमोटर्स और ग्रुप के पास, इसमें हमारा 87% शेयर होल्डिंग पैटर्न है। लेकिन सेबी का जो नया गाइडलाइंस जारी किया गया है उसमें आप देख सकते हैं 75% से अधिक होल्डिंग नहीं होनी चाहिए प्रमोटर्स का, मतलब इसमें जो 13% एक्स्ट्रा शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स का, ये शेयर सेल किया जाएगा जो ओपन मार्केट है हमारा, जो सेकेंडरी मार्केट है उसमें सेल किया जाएगा, तो उस समय भी इसमें प्राइस डाउनवर्ड मूवमेंट देखने आपको मिल सकता है। तो देख सकते हैं आप IRCTC जो IRCTC है इसके में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो लिमिट से ज़्यादा है, क्योंकि जो सेबी का नया रूल आया है उसके अनुसार 75 से अधिक होल्डिंग नहीं हो सकता, तो इसमें 13% जो स्टेक है प्रमोटर्स का वो सेल किया जाएगा, तो उस समय भी प्राइस आपको नीचे देखने के लिए मिल सकता है। चलिए तो अब बात करते हैं हम इसमें देख सकते हैं पहले साल ही आपको डिविडेंड देते हुए, आप इसमें देख सकते हैं पहले साल ही आपको डिविडेंड भी देखने मिला, इसमें ये शेयर लगातार डिविडेंड भी दिया, इसी साल लिस्ट हुआ और इसी साल डिविडेंड भी दिया। और इसका देख सकते हैं रिजल्ट जो फाइनेंशियल रिजल्ट है आप इस जो लिस्टिंग हुआ उसके बाद का, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो लिस्टिंग में के बाद जो रिजल्ट आया वो कितना है, टोटल इनकम दिखाया 71,598 करोड़। यही बिजनेस मोनोपोली जो है इस शेयर को बहुत ही वैल्यूबल बनाता है, इसी कारण आप देख सकते हैं ये लिस्टिंग से लगातार जो है 653 रुपीस पर ये लिस्टिंग हुआ और उसके बाद लगातार ये 2000 तक का मूवमेंट दिखाया, क्योंकि ये जो बिजनेस मोनोपोली है देख सकते हैं इसका नेट प्रॉफिट कितना हाई है, तो अपने इसी बिजनेस मोनोपोली के कारण ये शेयर लगातार अपने अब मूव को दिखाते रहा है। तो आप जो है अब इसमें हम बात करते हैं कि आपको कब बाय करना है कब नहीं बाय करना है, तो इसका जो आप देख सकते हैं जो शेयर पैटर्न है, यही ये शेयर हमारा 1100 इसके नीचे आ जाता है 1000 के, तो आप इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हैं। और इसका जो हमारा मूवमेंट होगा लगभग अगर 1 मई से चालू हो जाता है सब चीज़ सही रूप से, तो इसमें आप जो एक बड़ा मूवमेंट देख सकते हैं कहाँ तक का, तो बड़ा मूवमेंट देख सकते हैं 2500 तक का, जो 2500 तक का आप बार मूवमेंट देखने मिल जाएगा आपको अगर सब चीज़ समान रूप से चालू हो गया जैसा कि पहले चलता था, तो इसमें एक बड़ा मूवमेंट आपको देखने मिल सकता है। और नीचे का जो मूवमेंट है वो कहाँ तक जाएगा ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि अभी जो हमारा सिचुएशन है उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है, तो आने वाले समय पर निर्भर करता है कि आने वाला सिचुएशन कैसा होगा उस पर, कि ये नीचे किस प्राइस तक आपको मिल सकता है। और अभी तो हम इसमें वेट करते हैं कि अगले दिन जब प्रेशर में मार्केट ओपन होगा तो ये हमारा डाउनवर्ड मूव दिखाता है या अपवर्ड मूव दिखाता है, वो हमारा निश्चित करेगा आगे के निर्णय को कि इसका प्राइस नीचे आता है या हमें इसी प्राइस पे इंटर करना चाहिए। तो हम तो रिकमेंड करेंगे आप जो है कभी भी 1000 से ऊपर इसमें अपना जो है स्टेक ना बढ़ाएं, इसमें बाइंग ना करें। अगर इसको बाय ही करना है तो आप जो वेट एंड वॉच करें, जैसे जैसे समय बीतता है जैसे जैसे इसमें इफ़ेक्ट देखने मिलेगा लॉकडाउन का, अगर ये आपको 1000 या इससे नीचे के प्राइस पर मिलता है तब आप इसमें SIP मोड में इंटर करें, क्योंकि हो सकता है ये नीचे का और ज़्यादा मूवमेंट दिखा दे, मतलब इसमें जो प्राइस करेक्शन है पहले का जो लोअर वैल्यू है उससे भी नीचे जा सकता है, इसलिए इसमें आप SIP मोड में ही बाय करें। जैसे 1000 मिलता है तो 1-2 शेयर बाय किए, फिर उससे नीचे आया तो 5 शेयर बाय किए, उस तरह जितना नीचे आएगा उतना आप SIP मोड में इंटर करेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा कि IRCTC में क्या करना चाहिए, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि आगे जो आने वाली है 1 मई, उसमें फिर लॉकडाउन बढ़ता है या लॉकडाउन को ख़त्म किया जाता है, इस पर निर्भर करता है कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।